नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश पाठक। आप देख रहे हैं ट्रेड प्रेस चैनल। ट्रेड प्रेस चैनल देखने वाले सभी साथियों का स्वागत है। ट्रेड प्रेस चैनल से संपर्क करने के लिए यहाँ सारा कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, चैनल की लिंक भी है। अगर पिछले कोई वीडियो देखने हैं तो ये लिंक पर आप जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। निफ्टी ने आज इतना बेहतरीन मुंह दिया है कि क्या लेवल देखने की सही में ज़रूरत है क्या? आज इतना एकदम मस्त निफ्टी चला है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा पहले एक 10-15 मिनट आधा घंटा करीब करीब वो लाल रंग में रहा, मगर जो चलने लगा तो बस आहा क्या चलते रहा। तो आज लेवल देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हर कोई एंट्री करने वाला उसको मुनाफा ही बनने वाला था। तो फिर भी हम देखेंगे कि हमारा जो ज्ञान व्हील है वो दिखा रहा था कि 10733 के ऊपर अगर हम खरीदेंगे तो हमें ऊपर की तरफ के मुनाफा मिल सकता है। तो ये देखिए, ये जो लाइन हमने खींची है ये है 10733 की। तो पहले कैंडल एक ऊपर जाके नीचे आई, फिर दूसरी और नीचे आ गई, जो कि कल के क्लोज के आसपास एक दो पॉइंट रह गया था। और जो फिर वहाँ से चलना चालू किया तो हमारा बाय का लेवल क्रॉस हुआ और फिर निफ्टी बस चलता रहा। वैसे ये जो बीच का एरिया है यहाँ बहुत देर तक रुका रहा। ये जो ऊपरी तरफ का जो रेजिस्टेंस उसको लग रहा होगा, तो ये रेजिस्टेंस को जैसे एक बार इसने पार किया तो बस निफ्टी जो भागा तो बस आज तो बहुत मज़ा आ गया एकदम। तो क्या बेहतरीन निफ्टी ने पॉइंट दिए है। कोई सेलर नहीं था, कोई दबाने वाला नहीं था, एकदम सारा मस्त चलता रहा और मुनाफा ही मुनाफा बना है। ऐसा दिन कभी कभी आता है कि आज डर ही नहीं था निफ्टी गिरेगा क्या, नीचे जाएगा क्या, कुछ डर ही नहीं था आज। बस यहाँ पर बस थोड़ा विश्रांति लिया उसने बीच के समय में और फिर चलना चालू कर दिया और एकदम बढ़िया 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 मुनाफा दे गया है। तो ये चार्ट आज इसलिए बताया पहले शुरुआत में कि बहुत आज सुबह से हम खुश थे, जब से हमने ये देखा कि निफ्टी ने ऊपर की तरफ का मुंह लिया है तो बस हम खुश रह गए और फिर दिन भर मस्त एकदम। हालांकि थोड़ा यहाँ हम भी परेशान हुए थे कि क्या ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, मगर थोड़ी देर रुकने के बाद जो ये चलने लगा तो बस आहा मस्त मस्त मज़ा आ गया। तो हफ्ते का अंतिम दिन होते हुए भी और आगे इलेक्शन के रिजल्ट ये वो सारे अननोन चीज़ें हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं, क्या बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी या हैंग रहेगी, कुछ भी मालूम नहीं है। मगर फिर भी आज जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही बढ़िया है। तो प्रॉफिट भी बना है मस्त और एकदम अच्छा काम भी हुआ है। तो जैसे कि ये ज्ञान व्हील है, इसने कल ये बताया था कि 10733 के ऊपर अब खरीद के अगर हम चलेंगे तो हमें ऊपर का मुनाफा मिल ही सकता है, 699 के नीचे जाएगा तो नीचे का मुनाफा मिल सकता है। मगर आज नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं आया था और बस ऊपर ही ऊपर चलता रहा निफ्टी। और एक बार ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ से जो नीचे गया तो यहाँ तक आ भी गया, मगर फिर जो चलने लगा तो एकदम बढ़िया बढ़िया और बढ़िया मुनाफा दे गया। करीब करीब 90 डिग्री तक का मुनाफा बना हुआ है। तो इस तरह से ये जो ज्ञान व्हील बताता है लेवल पहले ही कहाँ बाय करना है, कितना ऊपर जाना है या कितने पॉइंट आ सकते हैं, ये सारा हमको पहले से ही पता चलता है। तो ये एक बेहतरीन टूल हमारे पास है जो आप लोगों के हमने खोल के रखा हुआ है। जो भी लेना चाहता है वो हमसे संपर्क करके इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, कल हमने देखा था DHFL का स्टॉक कि 628 पे खरीदने के हमारा खरीद लिया तो हमें ऊपर का मुनाफा बनेगा या 619 के नीचे बेचेंगे तो हमें नीचे का मुनाफा मिलेगा। मगर ये भी स्टॉक है, नीचे की तरफ तो गया नहीं, मगर ये जो खुला 625 पर ही खुला ये इसी एरिया में, और जो खुला तो भागा शुरुआत में ही एकदम पहले 2-3 मिनट में यह भागा और फिर नीचे गिर के आ गया। तो जिन्होंने तुरंत मार्केट खुलते ही इसमें एंट्री ली होगी उन्हीं लोगों का मुनाफा हुआ है, बाकी किसी को DHFL ने मुनाफा दिया नहीं। एकदम बहुत बहुत सडन
इसमें मुंह आया और फटाक से ऊपर गया और फिर धीरे धीरे नीचे भी आ गया। पहले 2-3 मिनट की ये कहानी इसमें बनी है। तो जो लोगों ने ये देखकर एंट्री की होगी और मुनाफा बुक किया होगा वो साथी आज सक्सेस रहे हैं। तो हम देख रहे हैं DHFL का चार्ट, ये देखिए जो लाइन खींची हुई है ये थी हमारी बाइक के लेवल। तो जो नीचे से जो चलना चालू किया है इसने, तो ये पहला 1 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है, ये देखिए 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। तो इसकी कहानी 1 और 2 और 3, बस 3 मिनट की कहानी रही है। तो ये 1 मिनट, पहले मिनट के अंदर जिन्होंने खरीद किया और बेच दिया वो साथी मुनाफे के हकदार रहे हैं। बाकी लेके जो बैठे होंगे उनको कोई मुनाफा नहीं है। फिर ये पूरा दिन एकदम सुस्त सा अजगर जैसा पड़ा रहा है, इसने कुछ नहीं किया आगे। तो जो साथियों ने यहाँ खरीदा होगा कहीं पर भी आगे, तो वो फिर अटक के बैठे होंगे, लॉस बुक करके गए होंगे या कैरी भी किया होगा। मगर जो पहले मिनट में मुनाफा देगा, इतना क्विक मुनाफा शायद मैंने पहली बार देखा है कि 1 ही मिनट के अंदर इतना बड़ा मुनाफा दे दिया ये। तो जो साथी एकदम अटेंशन में बैठे होंगे उनका ही मुनाफा इसमें बना है। तो इस तरह से देखिए हम पहले लेवल बताते हैं और वो अच्छे प्रॉफिट में बदल जाते हैं। इस तरह से ये रोज का अपना खेल चालू है। तो अभी सोमवार के लिए पोस्टल स्टॉक चुने, तो हमने भी रनिंग स्टॉक की चुनते हैं। आपको तो मालूम है कुछ हम देखते नहीं है, जो रन आज के जो चले हैं उन्हीं स्टॉक में से हम चुनते हैं। तो हम देखते देखते हम ऐसा ये किया कि आज ये जो BF यूटिलिटी का जो स्टॉक है जो दोनों तरफ चला गया, कोई इसने मुंह दिया है, ओपन हुआ 406.7 के पास, नीचे भी गया और ऊपर भी गया, दोनों तरफ का मुंह इसने दिया है। तो हमने सोमवार के लिए इसी को चुना है कि ये सोमवार के दिन क्या करता है हम देखने जाएंगे। तो देखिए ये जो है आज खोला था, 1 मिनट वाला लगा, सॉरी ये 15 मिनट वाला चार्ट लगाएंगे हम। ये देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, ये खुलने के बाद ऊपर गया। बस इसने भी वही कहानी बनाई, थोड़े पहले 5-10 मिनट ऊपर रहा और फिर गिरते गिरते नीचे की तरफ आया। ये जो बीच की लाइन आप देख रहे हैं ये कल की क्लोजिंग है, तो ये कल के क्लोजिंग के ऊपर भी गया और नीचे भी गया। तो इस तरह से दोनों तरफ का ही मूव इसने दिया है, इसलिए ये स्टॉक को हमने आज चुना है। हमने इसमें काम भी किया है आज, मगर फिर भी ये स्टॉक हमने कल के लिए चुना है कि देखते हैं कल कल भी ये क्या करता है। ठीक है, तो ये ज्ञान व्हील क्या लेवल दिखा रहा है इसके कल के, वो हम चेक करेंगे। तो यह है BF यूटिलिटी का डाटा और यह आज का क्लोजिंग है। तो यह बता रहा है कि 400 के ऊपर अगर चले तो हमें बाय करके चलना है, 394 के नीचे अगर चले तो हमें सेल करके चलना है। तो सोमवार के दिन तो मार्केट क्या करेगा हमको नहीं मालूम, क्योंकि कल इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल आने वाले हैं उसके बाद जो है सोमवार के दिन का पता चलेगा मार्केट किधर जाने वाला है, ऊपर या नीचे। मगर फिर भी हमने यह स्टॉक इसलिए चुना है कि इसने आज दोनों तरफ का मुंह दिया है। तो 400-401 के ऊपर अगर चले तो हम बाय करके चल सकते हैं, ऊपर का मुनाफा ले सकते हैं। नहीं चले तो 394 के नीचे अगर चले तो नीचे के मुनाफे के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये है सारा डाटा, इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी हम देखेंगे। ये जो आ रहा है इसका 404 पे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, 412 पे दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है, 392 पे पहला सपोर्ट और 387 पे दूसरा सपोर्ट आ रहा है। तो इस तरह से BF यूटिलिटी सोमवार के दिन क्या करेगा पता नहीं, मगर कैलकुलेशन जो कुछ आ रहे हैं वो सारे मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। तो हमारा जो ज्ञान एंगल व्हील है और बाय सेल सिग्नल का जो शीट बना है उसमें से कोई भी अगर प्रोडक्ट आप चाहते हैं, ट्रेड प्रेस के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें से कोई भी चीज़ आपको लगता है आपके पास होना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारा कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपको शुरू में ही दिया है। यहाँ तक हमारा साथ निभाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।